क्योंकि क्योंकि हर आदमी का एक ही चीज होता है, कुछ ही पूछो कि क्यों कमा रहे हो, बच्चों के लिए कमा रहे हो। तो बच्चों को जब समस्या आती है तो हम सारे सॉल्यूशन वो सब सॉल्यूशन करते हैं जो हमें नजर आता है ये करना चाहिए। आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा, आप सोचते हो इसका स्कूल बदलवा दूं, इसको ट्यूशन रखवा दूं, उसको कुछ अच्छी अच्छी चीजें दूं, कुछ लाने को, सब कुछ करने का प्रयास करते हो, लेकिन फिर भी सिचुएशन नहीं सुधर रही है। क्यों नहीं सुधर रही है? क्योंकि समस्या बाहर नहीं है। जो मेन रीजन क्या है बच्चों की सारी प्रॉब्लम का, क्यों बच्चे चिड़चिड़े हो रहे हैं, क्यों आंखों पे चश्मे चढ़ रहे हैं, क्यों उनकी हाइट नहीं बढ़ रही है, क्यों पढ़ाई में उनका मन नहीं लग रहा है, क्यों सब कुछ हो रहा है, इसका सबसे मेन रीजन क्या है? माल न्यूट्रिशन, बच्चों में पोषण की कमी है। सब पोषण का क्लेम है, माल न्यूट्रिशन का। और आपको जानकर बड़ा दुख होगा, भारत का हर दूसरा एक छोड़ के दूसरा बच्चा कुपोषित है, कुपोषण का शिकार है। चाहे वो अमीर फैमिली का हो, चाहे वो गरीब फैमिली का हो, चाहे मध्यम वर्गीय हो, भारत का हर दूसरा बच्चा कुपोषण है, कुपोषित है। और ये मेरे नहीं, भारत सरकार के आंकड़े, गौरी जी वीडियो दिखा सकते हो, भारत सरकार के आंकड़े मैं आपको दिखाता हूं। भारत का हर दूसरा बच्चा आज कुपोषण का शिकार है। कुपोषण एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे भारत में, और जैसा कि हम पोषण के मामले में हम बहुत नीचे हैं, लेकिन बच्चों की बात करें तो भारत का हर दूसरा बच्चा कुपोषित है, ये भारत सरकार के आंकड़े बोल रहे हैं। ये बच्चों की असली समस्या है और हम इलाज कुछ और कर रहे हैं। जैसे बीमारी का होता है ना, समस्या क्या है? अंदर सफाई नहीं, और हम क्या कर रहे हैं? दवाई खा रहे हैं। वैसा ही बच्चों के साथ हो रहा है, समस्या कुछ और है, समस्या उसके अंदर है और हम इलाज बाहर ढूंढ रहे हैं, है ना। तो चलेगा क्या? समस्या कुछ और है, हम उसका सॉल्यूशन कुछ और करना चाह रहे हैं, हम तरह तरह की चीजें उस पर कर रहे हैं, लेकिन मेन जो सॉल्यूशन समस्या है उस पर सॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं। बच्चे को देर से समझ आना, जल्दी थक जाना। अरे सुमन, हाँ? क्या किया स्कूल में आज? हमने बहुत मजा किया। तुम भी नहीं आई? आज पूरी क्लास चिड़ियाघर भी गई थी, और हमने वहाँ ना हुक्कू बंदर देखा था। वो हुक्कू अरे आता था हुक्कू नहीं हुक्कू। पापा, मैं बार बार क्यों बीमार पड़ती हूँ? मैं सबके साथ स्कूल कब जाऊंगी पापा? सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा बुखार ही तो है। सारे जमाने पढ़ते हुए बच्चे कितने अच्छे लगते हैं, और क्यों ना लगे, जब ये पढ़ेंगे तभी तो देश आगे बढ़ेगा। लेकिन कैसे आगे बढ़ेगा जब इस देश का लगभग हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है? कुपोषण यानी सही पोषण की कमी। पोषण बच्चों के शरीर और दिमाग दोनों को ही जिंदगी भर के लिए कमजोर बना देता है, और जब बच्चे ही मजबूत नहीं होंगे तो देश कैसे मजबूत होगा? तो आइए मिलकर इस खतरनाक दुश्मन के खिलाफ एक जंग छेड़ें। हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है। समस्या ये है कि उसके अंदर पोषण नहीं, इस वजह से वो चीजें याद नहीं रख पा रहा, उस वजह से वो चिड़चिड़ा हो गया, उस वजह से उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है। और हम इलाज क्या कर रहे हैं? हम इलाज स्कूल बदल रहे हैं, ट्यूशन रखवा रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, धिमका कर रहे हैं। तो हमें दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे स्वस्थ रहे,
तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो कुपोषण है इसको दूर करना पड़ेगा। हम इसको दूर करने के लिए आप क्या करते हैं, इसको दूर करने के लिए हम मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट आजकल उपलब्ध है, जैसे आजकल की भागती दौड़ती जीवन शैली में कई बार बच्चों के शारीरिक विकास पर असर डालती है, बच्चों का ठीक तरह से भोजन न करना भी बच्चों के विकास में बाधा पैदा करता है। मार्केट में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट उपलब्ध है जो बच्चे की हाइट और भूख बढ़ाने का दावा करते हैं, लेकिन इन प्रोडक्ट का सेहत पर कई बार बुरा असर भी होता है क्योंकि इसमें सिंथेटिक इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं। मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, बच्चों के सिरप उठा के देख लेना, सभी में क्या मिलेगा, विटामिन ए, विटामिन डी, पेंटोटिक एसिड, फलाना एसिड, जिंका एसिड, जितने भी मार्केट में प्रोडक्ट उपलब्ध है वो सब सिंथेटिक इंग्रेडिएंट से तैयार किए जाते हैं। सिंथेटिक बाहर लैब में तैयार किए हुए इंग्रेडिएंट्स है, विटामिन है, ये सिंथेटिक इंग्रेडिएंट्स क्या करते हैं, बच्चे का शरीर है नाजुक, ये सिंथेटिक इंग्रेडिएंट्स उसको अच्छा प्रभाव डालने की बजाय बुरा नुकसान डालते हैं। और आप एक चीज देखना, बच्चों के मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट मिलेंगे, सिरप मिलेंगे, सभी में क्या खास बात है, सभी में 60-70% तक होती है चीनी। जब हमें ये प्रोडक्ट बनाना था, हमने बहुत सारे लोगों से संपर्क किया इंडस्ट्री से जो ऑलरेडी इस तरह के प्रोडक्ट बना रहे हैं, हमने पूछा कि बच्चों के लिए हमें कोई अच्छा सा सिरप बनाना है तो क्या आपकी तरफ से क्या होना चाहिए। हम बहुत सारे भाई ठीक, हम ज्यादा बहुत जगह हमने राय ली ताकि पता चले मार्केट में क्या चल रहा है, तो बहुत सारी जगह हमने राय ली कि बच्चों के लिए कुछ बनाना है सिरप अच्छा सा तो क्या करना चाहिए। दो सलाह दी लोगों ने, बोले एक तो एक काम करना है, आपका सिरप जो बनाओगे उसमें कम से मिनिमम 70% तो चीनी होनी चाहिए। मैंने कहा क्यों, बोले सर टेस्ट अच्छा होगा तभी तो बच्चे पिएंगे। आप कुछ बना दोगे बच्चों में अगर उनको मीठा टेस्ट अच्छा नहीं लगा तो बच्चे नहीं पिएंगे। मैंने कहा यार ठीक है, बात तो समझ में आई। और बोला फिर दूसरा काम करो, उसमें अच्छा सा डालो फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर, ऑरेंज फ्लेवर, वनीला फ्लेवर, फलाना फ्लेवर, धिकड़ा फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, ये डालो, ये दोनों काम करो, आपका प्रोडक्ट धड़ल्ले से बिकेगा। मैंने कहा यार बात तो सही बताई, चीनी डाल दो टेस्ट अच्छा हो जाएगा, फ्लेवर डाल दो बच्चा खुश होकर पिएगा, ये काम तो हो जाएंगे, प्रोडक्ट अच्छा बिकेगा, बच्चों को फायदा होगा क्या। बोले उससे आपको क्या मतलब है, आपका प्रोडक्ट बिकना चाहिए, बच्चे खुश होकर पिएंगे, मस्त रहेंगे। ये लोगों की सोच है, ज्यादातर सिरप मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज की सोच है कि आपका प्रोडक्ट खूब बिकेगा, बच्चे खुश होकर पिएंगे। लेकिन दोस्तों आज मार्केट में जितने भी इस तरह के प्रोडक्ट हैं जिसमें सोचो आप 60-70% तक तो चीनी है उस सिरप में, क्या 60-70% चीनी वाली चीज आपका बच्चा पिएगा, क्या उसका विकास होगा, करेगा कोई फायदा हो, नहीं करेगा। उसमें आर्टिफिशियल कलर है, फ्लेवर है, बस खुशबू टेस्ट अच्छा बनाया ताकि बच्चे उसको खुश होकर पिए, डिमांड करें मुझे तो यही चाहिए, ऐसी चीजें नहीं है। हमें कोई आपके बच्चे को कोई सिंथेटिक चीजें जरूरत नहीं है। हमारे आयुर्वेद में आज से प्राचीन काल से ही वैदिक युग से ही एक परंपरा चली आ रही है कि जब भी बच्चों को शिक्षा के लिए शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल भेजते थे तो उनको उसी समय से मेधावी बनाने के लिए उनको हट्टा कट्टा मजबूर राजकुमार भी पढ़ते थे, सभी पढ़ते थे वहां पर, उनको अलग से कुछ उनकी डाइट का हिस्सा दिया जाता था ताकि वो बच्चे मेधावी बन सके, स्ट्रॉन्ग बन सके। कुछ चीजों को उनका सेवन कराया जाता था, क्या थी वो चीजें, उसमें इसके सबसे पहली चीज थी ब्रह्मी। ब्रह्मी ब्रह्मी देखो साफ बताया गया, ब्रह्मी फ्रॉम द डाउन ऑफ द एजेस, ब्रह्मी हैज बीन कंसर्न्ड ए टॉनिक फॉर ब्रेन, इट इंप्रूव ब्रेन पावर एंड हेल्प टू मेक ए मेमोरी शार्प एंड क्लियर। इन एंशियंट आयुर्वेदा, जो पुराने आयुर्वेदिक लिटरेचर है, ब्रह्मी वाज यूज्ड टू बाई स्कॉलर्स एंड स्टूडेंट टू हेल्प विद द मेमोराइजिंग लेंथी वैदिक टेस्ट। पहले बड़े बड़े वेद याद करने पड़ते थे बच्चों को, अब तो कुछ भी पढ़ाई नहीं है, पढ़े पढ़े ऋग्वेद पढ़ते थे, सामवेद पढ़ते थे, अथर्ववेद पढ़ते थे, वेदों का ज्ञान बच्चों को कराया जाता था। इतने लंबे लंबे वेदों को याद रखने के लिए उनको बच्चों को क्या इस्तेमाल कराया जाता था, ब्रह्मी का काढ़ा पिलाया जाता था उनको। ये वो हब है जो आपके बच्चे के लिए जरूरी है उसको मेधावी बनाने के लिए। बड़े बड़े वेदों पुराने आयुर्वेदिक लिटरेचर में बताया गया, पहले जो भी स्कॉलर्स थे गुरुकुल जाते थे, बच्चे पढ़ने जाते थे, उनको ब्रह्मी अवश्य उनको दिया जाता था। इसके अलावा एक और बहुत अच्छी औषधि है जिसका नाम है शंख पुष्पी, या इसको ज्योतिषमती भी बोलते हैं, ज्योतिषमती शंख पुष्पी। ये क्या करती है, आजकल बच्चों के आप देखना उनकी कंसंट्रेशन प्रॉपर नहीं है, थोड़ी देर पढ़ेंगे फिर भाग जाएंगे, ये करेंगे, प्रॉपर कंसंट्रेशन नहीं बन पाती उनकी, बहुत बड़ी समस्या है। तो बच्चों में उनकी कंसंट्रेशन को इंप्रूव करने के लिए, और जो उनकी है ना अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, हाइपर एक्टिव है आजकल बच्चे, आपके SSS है ना, हाइपर एक्टिविटी है बच्चों में आजकल, कंसंट्रेशन नहीं है, हाइपर एक्टिविटी है। इस समस्या को समाधान करने के लिए बहुत शानदार हर्ब है शंख पुष्पी, जो उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाती है, उसकी अटेंशन को बढ़ाती है, मैच्योर बनता आपका बच्चा, उसकी मतलब वो हाइपर एक्टिविटी है जो आजकल चंचल होता है, बहुत ज्यादा चंचल हो गए हैं बच्चे, तो उसकी जो चंचलता है उसको मेंटेन रखने के लिए शंख पुष्पी का इस्तेमाल कराया जाता था। इसके अलावा एक बहुत शानदार हब है अश्वगंधा, आज से 5000 साल पहले से भी जिक्र है और आज की मॉडर्न साइंस भी यही बात बोलती है,
आज से 5000 साल पहले ये बताता था कि अश्वगंधा रूट का इस्तेमाल किया जाता था, बच्चों में इस्तेमाल किया जाता था बहुत सारे सेवरल हेल्थ बेनिफिट्स के लिए। आजकल मॉडर्न साइंस भी क्या बोलती है, दैट अश्वगंधा कैन बी यूज्ड एज ए मेमोरी एनहांसर, ग्रोथ प्रमोटर, सप्लीमेंट ऑफ काम एंड रिलैक्सेशन, एंड मे बी यूज्ड एज ए ग्रोथ प्रमोटर एंड हेमेटेमिक इन ग्रोइंग चिल्ड्रन। बच्चों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, उनमें खून बढ़ाने के लिए, उनकी टेंशन बढ़ाने के लिए अश्वगंधा एक बहुत शानदार औषधि है। क्या क्या काम कर सकता है, बच्चों को पढ़ाई के साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज पर भी ध्यान देना पड़ता है जिस कारण बच्चे जल्दी थक जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि बच्चों की थकान ना हो, जल्दी ना थके, तो उनको अश्वगंधा देना चाहिए कंपल्सरी। आजकल के बच्चे तनाव का शिकार है, उनको दूर करने के लिए स्ट्रेस बहुत आजकल बच्चों पे, पढ़ाई का स्ट्रेस है, किसी को डॉक्टर बनना है, 10वीं 11वीं में हो गया, बड़ा प्रेशर है, एग्जाम का प्रेशर है, स्ट्रेस। बच्चों के स्ट्रेस को दूर करने के लिए बहुत शानदार हर्ब है अश्वगंधा। अगर बच्चे की हाइट कम है तो उन्हें अश्वगंधा दिया जा सकता है, हाइट बढ़ाने में बहुत मददगार है अश्वगंधा। पहले बच्चों की हाइट 6-6 फुट होती थी, आजकल घटते घटते इतने आते रुक जाते हैं, बस बात करते हैं ना, पहले बहुत लंबी लंबी है, क्यों, क्योंकि प्रॉपर उनकी डाइट वो नहीं है जो उनको मिलना चाहिए। तो अश्वगंधा ये काम करता है, अश्वगंधा बच्चे का वजन बढ़ाने में भी सहायक है और उसके भूख बढ़ाने में भी बहुत शानदार औषधि है अश्वगंधा। तो ब्रह्मी, शंखपुष्पी, अश्वगंधा, ये तीनों बहुत शानदार है बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास करने के लिए। इसके अलावा एक और चीज है कमल। कमल बच्चों की चिकित्सा में, बाल रोग जो डिपार्टमेंट है, कुमार भट्ट जो चिकित्सा का जो डिपार्टमेंट है बच्चों की चिकित्सा, उसमें सदियों से ही एक जो सबसे बेहतरीन उनका प्रोडक्ट आता था अरविंदासन बच्चों के कंप्लीट विकास के लिए प्रोडक्ट बनाते थे सदियों से, क्लासिकल मेडिसिन अरविंदासन। अरविंद बोलते हैं कमल को, कमल से ही तैयार कर, कमल का काढ़ा बना के बच्चों को दिया जाता था अरविंदासन। ये क्या करता है, बच्चों के डाइजेशन को ठीक करता है, बच्चों को बार बार सर्दी जुकाम खांसी होता है उसको दूर करता है, उनकी भूख को बढ़ाता है, उनके एनोरेक्सिया हो गया उसको दूर करता है, बार बार बच्चे लूज मोशन होते हैं उसको दूर करता है, पेट को ठीक करता है और उनकी वीकनेस, उनकी हड्डियां जो कमजोर हो गई उसको दूर करने का सारे पूरा न्यूट्रिशन है कमल के अंदर। कमल बच्चों की चिकित्सा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये बच्चों को दिया जाना चाहिए। ये सारी वो प्राकृतिक चीजें हैं, इसमें कोई सिंथेटिक चीज नहीं है। तो ब्रह्मी, शंखपुष्पी, अश्वगंधा और कमल। इसके अलावा और भी कुछ सारी चीजें हैं जैसे बेल, बिल्व, वो बहुत अच्छा बच्चों के पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इन सारी चीजों को अगर आपके बच्चे की डाइट का हिस्सा बना दिया जाए तो आपका बच्चा शारीरिक और मानसिक तौर पे स्वस्थ रह सकता है 100%। उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी, उसकी अटेंशन भी अच्छी होगी, उसके माइलस्टोन अच्छे होंगे, उसकी हड्डियां भी मजबूत होंगी, उसका मेधावी भी होगा आपका बच्चा, उसकी आंखें भी अच्छी रहेंगी, बाल भी अच्छे रहेंगे, सब कुछ अच्छा रहेगा। तो दोस्तों हमने क्या किया, हमने बस ये सारी हर्ब्स को लिया है क्योंकि बच्चों का मामला है, सेंसिटिव मामला है, हमारे घर में भी बच्चे हैं, मेरा भी 10-11 साल का बच्चा है, हम सब के बच्चे हैं, हम कोई बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, किसी भी हालत में नहीं कर सकते। मैंने सबसे पहले ट्राई किया जब बनाया ना, तो सबसे पहले अपने घर पे अपने बच्चे को ही पिलाया कि सबसे पहले इसी को देके देखता हूं क्या आता है ना। तो जब मैं अपने बच्चे के लिए दे रहा हूं तो सीधी सी बात है कि मैं उसमें कोई किसी तरह का मैं भी रिस्क नहीं लेना चाहता, और आपके बच्चे हम सबके एक परिवार के बच्चे हैं, तो हम किसी तरह का इसमें कोई, जब हमने प्रोडक्ट तैयार किया तो हमने ये सारी हर्ब्स ब्रह्मी, शंखपुष्पी, अश्वगंधा, बिल्व और कमल, इन सबको लिया, इनको अलग अलग तरीके से इनका काढ़ा बनाया और एक प्रोडक्ट तैयार किया जिसका नाम है किडकेयर। बस दोस्तों एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें किसी तरह की चीनी नहीं है, कोई चीनी नहीं है, किसी तरह का कलर नहीं है, किसी तरह का फ्लेवर नहीं है, कुछ नहीं है, जैसा हर्ब्स का स्वाद है प्राकृतिक स्वाद, क्योंकि ये सारी हर्ब्स बच्चों के लिए, इसलिए इनका स्वाद ही प्राकृतिक है, कोई नुकसान टेस्ट गंदा तो नहीं इसका, पी लेते हैं ना बच्चे, बच्चे पी लेते हैं। तो ये एक बहुत शानदार प्रोडक्ट है, इसमें कोई कलर, फ्लेवर, एडिटिव कुछ इस्तेमाल नहीं किया गया, 100% प्राकृतिक है, जो आपके बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास को बहुत जल्दी इंप्रूव करता है। इसमें शतावर भी है, कुछ चीजें और भी, शतावर भी है, शतावर बहुत अच्छा है। शतावर सर बल्ले है, बल्ले द्रव्य है, ताकत देता है बच्चों को, बल्ले है, बल्ले द्रव्य में आता है शतावर जी। तो ये एक बहुत ही शानदार आपके बच्चे के कंप्लीट न्यूट्रिशन के लिए किडकेयर है, 18 महीने से लेके 18 साल तक के बच्चों के लिए कंप्लीट न्यूट्रिशन, ताकि आपके बच्चे की हाइट भी अच्छी हो, सोचने की शक्ति अच्छी हो, उसके चश्मे के नंबर अगर है चश्मा तो कम होते चले जाएंगे, उसके बाल अच्छे होने शुरू हो जाएंगे, उसका IQ लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा। तो 18 महीने से लेकर 18 साल तक के बच्चों को, हर बच्चे को इसकी जरूरत है किडकेयर से। इसको लेना कैसे है, ये डायरेक्ट लेना है, इसको पानी मिलाने की आवश्यकता नहीं है, सीधा एक एक चम्मच, जैसे 10 ml, 20 ml, 30 ml तक की इसकी डोज है, उम्र के अनुसार डायरेक्ट बच्चे को सुबह शाम 5, 10, 15, 20 ml इसको सुबह शाम देना है।
बस इसको कोई पानी में घोलने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस एक एक दो दो चम्मच सुबह शाम पिला खाने के बाद, कैसे भी दे दो खाने के बाद, खाने से पहले, क्योंकि 100% प्राकृतिक है, सब खाने पीने की चीजें, कोई इसका नुकसान नहीं है, ना इसमें कोई कलर है ना फ्लेवर है, कुछ भी आर्टिफिशियल इसमें ऐड नहीं किया गया है। तो दिया जा सकता है बच्चों को, दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं ना, 18 महीने से ऊपर सब, उससे नीचे भी, 18 महीने से नीचे वाले को भी अगर कोई एबनॉर्मल कंडीशन है तो उसको भी दिया जा सकता है, पर 18 महीने के बाद शुरू किसी को भी कर सकते, सबको करना चाहिए जी। ट्रेन में आ रहा था, मैंने एक 2 साल का बच्चा था और बच्चे बहुत अस्वस्थ अवस्था में थे, नॉर्मल कंडीशन में थी, और उसको उसके पेरेंट्स अभी ये उदयपुर जा रहे थे किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास दिखाने के लिए, तो हाँ रास्ता में हम लोग बैठ के उनके साथ शेयर किया, तो फिर जब उन्होंने बताई सारी हिस्ट्री तो मैंने इस प्रोडक्ट पर शेयर किया, तो मैंने बोला कि पहले आप कॉन्फिडेंस के लिए जो टारगेट बना के चले हैं, आप उदयपुर जा रहे हैं तो पहले आप उदयपुर के जिस डॉक्टर के पास जाना चाह रहे हैं पहले वहां से दिखा लो, अगर संतुष्टि ना मिले तो फिर मेरे पास आना और मैं आपको इस प्रोडक्ट के बारे में शेयर कर दिया था। तो वो बच्चा थोड़ा एबनॉर्मल ये थी कि ना खाना खा पा रही थी, खाना खा रही थी तो उल्टी कर देती थी, उनकी एबनॉर्मलिटी एक्टिविटीज में कुछ थॉटिंग नहीं है, कुछ सुनना नहीं है, तो वो सारी कंडीशन में मैंने उनको ये बताया कि आप मेरे पास एक प्रोडक्ट आती है और ये चाइल्ड के लिए ही है किड केयर करके, तो उन्होंने बोले कि सर ये मुझे मिलेगा कहाँ और मिलेगा तो फिर मुझे करना क्या पड़ेगा, तो फिर मैंने सर उनकी हिस्ट्री जब बताया तो वो पूरी संतुष्ट हो गई। लेकिन अब ये मुझे पूछना था कि वो बच्चे के केवल किड केयर से ही बच्चा ठीक हो सकता है या और कुछ उसके साथ में ऐड करना पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छा इसमें कंप्लीट है, इसमें बच्चे का दिमाग ठीक से काम ना कर रहा हो, बच्चे का डाइजेशन अच्छे से काम ना कर रहा हो, बच्चे को दौरे आते हो, फिट्स आते हो, मिर्गी के दौरे आते हो, बच्चे हर चीज में कंप्लीट काम करेगा। और इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा और बच्चे के लिए क्या अच्छा कर सके, तो एक तो लियोसेफ सिरप और एक प्रोलैक्स प्रोटीन पाउडर, ये दो चीजें अगर ऐड करते हैं तो फिर सोने पे सुहागा है, फिर कुछ सोचने की जरूरत नहीं आपको अपने बच्चे के लिए। प्रोलैक्स, लियोसेफ और किड केयर, बस ये तीनों को कंप्लीट दे दो, फिर आपके बच्चे को किसी तरह की कोई चीज की आवश्यकता नहीं है। मेंटली के लिए तो है ये, माइंड पावर बिल्कुल देने की जरूरत नहीं है, माइंड पावर से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, खुद ही है ये, तो माइंड पावर तो भी मान लो इसका अगर कोई किड केयर ना ले पाए और काम चलाना चाहे तो माइंड पावर दे सकते हो, लेकिन माइंड पावर दे दिया तो फिर किसी चीज की जरूरत नहीं है। लियोसेफ, किड, प्रोलैक्स और ये तीन चीज, हाँ वही 10 खाना खाने के तुरंत बाद, क्लियर है? और इसके बारे में कोई सवाल किसी का ना, 1% भी नहीं कोई।